अल्मोड़ा के सियालदे विकास खंड के बिकियासैंड देघाट सड़क पर एक कार 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण हादसे में डॉक्टर पति, स्टाफ नर्स, पत्नी और 8 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 साल का बेटा घायल हो गया। रुड़की के देघाट CHC में तैनात डॉक्टर अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चारधाम यात्रा में भीड़ प्रबंध और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार अब यात्रा मार्गों का आकलन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक में ये निर्देश जारी किए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिन धार्मिक और पर्यटन स्थलों में भीड़ बढ़ रही है, वहाँ पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शटल सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून को कैंचीधाम स्थापना दिवस पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। नैनीताल जिले में आने वाले यात्रियों की बहुत बड़ी संख्या कैंचीधाम का रुख कर रही है, इसलिए भवाली से कैचीधाम के लिए शटल बस सेवा शुरू की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काफिले के सामने अचानक एक बुजुर्ग महिला आ गई और मुख्यमंत्री का काफिला रुक गया। जैसे ही सीएम धामी सचिवालय में चार धाम की तैयारियों को लेकर बैठक करने के बाद बाहर निकले, तभी एक बुजुर्ग महिला उनके काफिले के सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे सीएम धामी का काफिला रुक गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को साइड करने की कोशिश की, मगर महिला सीएम धामी के पास जाने की जिद करने लगी। इसके बाद सीएम धामी ने खुद महिला को अपने पास बुलाया और उनकी समस्या को बड़े ही ध्यान से सुना। ये मेरी बेटी का बेटा है। ऋषिकेश के कौड़ियाला से देवप्रयाग की तरफ जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष देवप्रयाग फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी अचानक ब्रेक फेल होने से गाड़ी पलट गई। वाहन पलटते ही अंदर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। ड्राइवर ने गाड़ी को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया। अगर ड्राइवर ऐसा नहीं करता तो गाड़ी गंगा में समा जाती। फोर्स की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 6 घायल यात्रियों को इलाज के लिए ऋषिकेश भेज दिया गया। डीडीहाट के विद्यासागर पब्लिक स्कूल ने अपना 19वां वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी और विशिष्ट अतिथि ममता बोरा ने शिरकत की। राज्य मंत्री भंडारी ने स्कूल प्रबंधक रेणु भंडारी कार्की को कार्यक्रम के सफल आयोजन और 19 वर्षों से स्कूल का कुशल संचालन करने के लिए शुभकामनाएं दी, साथ ही बच्चों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गयी। भंडारी ने बच्चों में पुरस्कार भी वितरित किए। कार्यक्रम में रवि कफलिया, अजीत डसीला, राणा शाह, हेमा शाह, लीला कन्याल, कैलाश भंडारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के एक कथित यूट्यूबर युवक ने दिगंबर जैन संप्रदाय के कुछ संतों को रास्ते में रोककर उन पर टिप्पणी की और उनके साथ अभद्रता की। इसका युवक ने वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया, जिससे जैन संप्रदाय की भावनाओं को आहत पहुंची। इस पर दिगंबर जैन संप्रदाय ने भारी नाराजगी जताई। संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार को सभी तथ्यों की जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की फ्रापट न्यूज। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज के 24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।